अगर अनुभव सिन्हा जैसा मजा हुआ डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो भारतीय सिनेमा के लिए अच्छा लगता है। आप सोचते हैं कि ऐसे सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बननी चाहिए। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे, जिससे समाज की बुराइयों को खत्म किया जा सके। तुम्हें एक हीरो चाहिए अदिति। हीरो नहीं चाहिए आयान, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। आप फिल्म का ट्रेलर देखते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ है जो आप नहीं देख पाते। वही दिखाने के लिए तो बाबा आपकी सेवा में लगे हैं। सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर इस सत्य घटना में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। जल्दी से आपको बताता हूँ वो क्या है। इस घटना में कथित रूप से दो दलित लड़कियों का रेप करके उन्हें एक पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। कथित रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही खराब तरीके से की गई थी, जैसा कि यूपी पुलिस की आदत है। पुलिस FIR कहती है कि अपहरण हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि रेप हुआ था, CBI की रिपोर्ट कहती है नहीं हुआ था। CBI की रिपोर्ट में डॉक्टर कहती है कि उसने लाइफ में कभी पोस्टमार्टम किया ही नहीं था, उससे कराया गया वो भी रात में। CBI ये भी कहती है कि दोनों में से एक लड़की की आरोपियों में से एक लड़के से हत्या से कुछ दिन पहले 400 बार फोन पर बात हुई थी। लड़कों का परिवार कहता है कि लड़कियों की ऑनर किलिंग उनके ही परिवार ने की है। ऑनर किलिंग है। लड़कियों का परिवार कहता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए उनके परिवार को ही फंसा रही है। फिल्म में एक डायलॉग भी है, हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब और हम ही पे केस बना रहे हैं। जो भी हो, ये बात 100% सच है कि लड़कियों के साथ अन्याय हुआ, दोषियों को सजा नहीं मिली और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। इस सब के बीच में सच कहीं दफन हो जाता है, लेकिन सच को खोद कर निकालते हैं अनुभव सिन्हा और सच में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। मारी गई लड़कियां मौर्य समुदाय से थी, उनको दलित दिखाया जाता है। आरोपी लड़के यादव थे, उनको ब्राह्मण दिखाया जाता है। आपके दिमाग में भी प्रश्न आया होगा कि अगर फिल्म सत्य घटना पर थी तो उनको मौर्य और यादव क्यों नहीं दिखाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यादव को यादव दिखाते तो समीकरण नहीं बनते। सुना नहीं आपने, फिल्में फॉर्मूले से चलती हैं। भूल गए फॉर्मूला? रहीम चाचा हमेशा दयालु और ईमानदार होंगे, लेकिन मंदिर का पंडित लालची और बेईमान। पिछले 5 साल में रहीम चाचा के नैरेटिव की TRP थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए मौर्य लड़की को दलित बनाया गया है। TRP भाई, TRP। अगर फिल्म में दिखाएंगे कि दलित ने किसी का रेप किया तो चलेगी क्या? बुलंदशहर गैंगरेप नहीं याद? वहां अपराधी दलित थे और पीड़ित सवर्ण, इसलिए ना तो कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने गया, ना ही कोई सोशल एक्टिविस्ट, और ना ही मीडिया का कोई कैमरा घटनास्थल पर पहुंचा। TRP भैया, TRP। और TRP कैसे बनती है? वोट बैंक से। हमारे देश में हीरो की छवि स्पष्ट हो या ना हो, विलेन की स्पष्ट रहती है। आपको पता है उसका कारण क्या है? ये आपके दिमाग में बचपन से डाला गया है, मीडिया से, फिल्मों से, नेताओं से, बुद्धिजीवियों से। अगर सच दिखाते तो ये दिखाना पड़ता कि दोनों ही समुदाय OBC हैं। ऐसा नहीं है कि एक समाज ऊंचा और दूसरा नीचा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में किसी जाति के साथ ऊंची जाति वाला ही अत्याचार करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अत्याचार ऊंच नीच देखकर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म ही खराब है। लाहौल विला कुवत, ऐसा सच नहीं दिखा सकते। ये भी दिखाना पड़ता कि उस समय मुख्यमंत्री भी यादव थे। ये छुपाने के लिए एक ब्राह्मण नेता का भी रोल दिखा दिया। अरे नहीं नहीं सर, वो कानने को ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं, आप सही हो पाए। लेकिन TRP अभी भी पूरी नहीं हुई। ब्राह्मण को दिखाया तो सिर्फ एक जाति ही टारगेट हुई ना, तो अब उस नेता को महंत भी दिखा दिया, मतलब केवल एक जाति का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधि। किसने किया है? मान जी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मान जी? मान जी है कट्टरवादी हिंदू, हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबान, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। आप देखेंगे कि ट्रेलर में भगवा झंडे दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को ये झंडे लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाया गया है। ये है तीसरी TRP, एक हिंदूवादी संगठन। अब तस्वीर कुछ साफ होती जा रही है, एक पॉपुलर नैरेटिव बन रहा है, जिस पर अत्याचार होता है वो दलित है और जो अत्याचार करता है वो ब्राह्मण, पीड़ित भी अब जाति देखकर निर्धारित होता है। आपको याद दिला दूं, 2012 में दिल्ली के निर्भया केस में निर्भया एक ब्राह्मण लड़की थी, लेकिन ना तो किसी मीडिया ने कहा कि पीड़ित ब्राह्मण है, ना ही किसी सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि ब्राह्मणों को न्याय चाहिए। और हाँ, ये वही बदायूं केस है जिस पर मुलायम सिंह यादव ने कहा था, लड़कों से गलती हो जाती है।
लेकिन ये सच अनुभव सिन्हा नहीं दिखा सकते क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। क्या करें, बॉलीवुड है, ईमानदारी भी बेईमानी से करनी पड़ती है। निश्चिंत रहिए, इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड मिल जाएगा और आपके दिमाग में एक बार और लिख दिया जाएगा, ब्राह्मण, भगवा, हिंदू अपराधी होते हैं, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, इस अत्याचार को खत्म करना है तो भगवा को खत्म करो, ब्राह्मणवाद को खत्म करो, ज़रूरत पड़े तो ब्राह्मण को भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।